जब हमने सांसद में देखा कोई राहुल गांधी जी का फ्लाइंग किस मैटर हुआ था तो उसके लिए वो बोली, तो इसका मतलब मैंने और मणिपुर के लिए आज तक भी वो कुछ नहीं बोली। जो स्मृति ईरानी जी मैसेज दे रही हैं तो गरीबों और अमीरों की महिलाओं में फ़र्क समझती हैं, वो महिला विकास मंत्री सिर्फ सांसदों की हैं, महिलाओं के साथ गलत हुआ है, देश की महिलाओं के साथ गलत, देश की महिला विकास मंत्री है, बीरेन सरकार मणिपुर की सरकार है, तो उनकी टोटल जिम्मेदारी बनती है और वो अगर नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए और बाकी सभी बड़े नेताओं को इसकी अपील करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नूरजहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पुनीत गुप्ता जो कि अकेले इस आंदोलन पे बैठे हैं। जैसे कि मणिपुर में जो घटना हुई थी, महिलाओं को निर्वस्त होकर घुमाया गया था, तो उसी के ऊपर हम उनसे बात करेंगे। हाँ जी, मेरा नाम पुनीत गुप्ता है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, लेकिन आज कल 3 अक्टूबर हो जाएगा और कल मणिपुर की घटनाओं को होते होते 5 महीने हो जाएंगे, 5 महीने हो चुके हैं और आज भी वहाँ घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ अपील करने के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति जी से कि मणिपुर सरकार, बीरेन सरकार, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करा जाए और स्मृति ईरानी जो महिला विकास मंत्री है उनको निष्कासित किया जाए। और इसके लिए मैं अपील करता हूँ साथ साथ नरेंद्र मोदी जी से, विपक्ष के सभी नेताओं से, सभी सांसदों से और हर उस व्यक्ति से जो महिलाओं का सम्मान करता हो कि वो अपील करे इस चीज़ की, ताकि तुरंत एक्शन हो, क्योंकि हमारे देश की विश्व पटल पर बहुत बेइज्जती हो रही है इस मैटर को लेकर कि हमारे देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता और महिलाओं के साथ निर्ममता होती है। लेकिन स्मृति ईरानी जो हैं वो हर मुद्दे पे बोलते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे वो क्यों नहीं बोल रही हैं? वही मेरा कहना है, देखिए अभी जब हमने सांसद में देखा कोई राहुल गांधी जी का फ्लाइंग किस मैटर हुआ था तो उसके लिए वो बोली, तो इसका मतलब मैंने और मणिपुर के लिए आज तक भी वो कुछ नहीं बोली है। तो मेरा मानना हमेशा से ये है, या तो अब हमारे देश में कि जो स्मृति ईरानी जी मैसेज दे रही हैं तो गरीबों और अमीरों की महिलाओं में फ़र्क समझती हैं, वो महिला विकास मंत्री सिर्फ सांसदों की हैं और बाकी महिलाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना ये है, यही जो वारदात है ये राजघरानों के लोगों के साथ हुई होती तो आज सरकार ज़रूर एक्शन लेती, तो ये गरीब महिलाओं के साथ ये हो रहा है तो इसलिए कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि हम इसे क्या करते हैं, मैत्री किसी और समाज में बांट देते हैं। मेरे को हमेशा से लगता है ये सब चीज़ें फिजूल की बातें हैं, महिलाओं के साथ गलत हुआ है, देश की महिलाओं के साथ गलत, देश की महिला विकास मंत्री है, बीरेन सरकार मणिपुर की सरकार है, तो उनकी टोटल जिम्मेदारी बनती है और वो अगर नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए और बाकी सभी बड़े नेताओं को इसकी अपील करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि जो मणिपुर में घटना हुई थी, लेकिन वो घटना तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन वीडियो उसकी अब जाके वायरल हुई है, तो इसमें मतलब क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वीडियो वायरल होना बड़ी बात नहीं, क्या पता वीडियो ना भी वायरल होता, क्या पता कितनी वारदात हुई है वीडियो सिर्फ एक वायरल हुआ, देखिए वो तो हम एक आइडिया लगा रहे चीज़ों का, लेकिन एक चीज़ गलत हुई है और आज भी हो रही है। कल भी न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था कोई वारदात हुई है, परसों भी देखा मैंने कोई वारदात हुई है, कुछ महिलाओं के साथ हो रही है, कुछ अलग अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन लगातार हो रहे हैं। और कोई भी सरकार हो, देखो मेरा मानना है प्रशासन जैसे पुलिस फोर्स की बात करें, मिलिट्री की बात करें, अगर वो चाहे तो 24 घंटे के अंदर किसी भी वारदात को रोक सकते हैं, लेकिन जब तक हम प्रशासन को जिम्मेदारी नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। और ये जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, राज्य सरकार अगर उनको आदेश दे कि मुझे मिलिट्री की ज़रूरत है तो मिलिट्री उन्हें मिलेगी और वो मिलिट्री 24 घंटे में, मेरा मानना कितना ही बड़ा देश में कोई गलत काम हो रहा हो वो रोक सकती है, हमारी मिलिट्री और पुलिस इस चीज़ के लिए पूरी सक्षम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो इसके ऊपर भी अफसोस जताया था, तो इस पर आपको क्या? देखिए प्रधानमंत्री जी ने अफसोस जताया है, प्रधानमंत्री जी ने मान लो कोई बात कही है, लेकिन बात यह है वो वारदात रुक नहीं रही और लगातार चल रही है। और आप मानेंगे नहीं, हमारे दोस्त रिश्तेदार विदेशों में भी रहते हैं, उनका भी यही मानना है कि ये जो मणिपुर में हो रहा है बिल्कुल गलत है और हिंदुस्तान की इसमें बहुत बेइज्जती हो रही है, तो इसलिए इस पर एक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी नहीं कर पा रहे, किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो इसलिए एक सिस्टम बना हुआ हमारे देश में, तो राष्ट्रपति जी के पास सर्वोच्च पावर है, वो चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जैसे कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं हमारे राष्ट्रपति, मतलब वो भी तो आदिवासी हैं, तो उन्होंने भी मतलब उन्होंने बोला था महिलाओं के लिए आवाज़ उठाएंगे, पर वो भी तो नहीं कर रही है। देखिए वही हम कैटेगराइज कर देते हैं चीज़ों को, महिला है, आदिवासी है। देखिए एक राष्ट्रपति जब वो बनता है या कोई भी किसी बड़े पद पर बनता है तो वो खाली एक सेगमेंट का राष्ट्रपति नहीं है, महिलाओं की राष्ट्रपति नहीं है, पुरुषों की राष्ट्रपति है, आदिवासियों की नहीं है, सभी महिलाओं की राष्ट्रपति है, तो वो राष्ट्रपति पूरे देश की है। तो हाँ ठीक है, महिलाओं के लिए हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कोई भी हो, चाहे पुरुषों को गलत कोई चीज़ होती है, तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च पावर्स हैं और उन्हें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन महिलाओं को भी तो आरक्षण दिया गया है ना?
नहीं वो एक अलग चीज़ हो गई, आरक्षण देना। मान लीजिए देखिए, घर में चोरी होती है और घर में मर्डर होता है, चोरी अलग आदमी ने करी है, मर्डर अलग, दोनों को अलग अलग सजा मिलेगी ना। आपको मर्डर वाले को हमने सजा दे दी, चोरी वाले को छोड़ दिया। तो एक चीज़ जो चीज़ गलत होती है उसका एक्शन होना चाहिए। महिलाओं के साथ जो घटना घट रही है तो उनको ये रोकना चाह रहे हैं और इनकी अपील है कि महिलाओं के साथ आगे ये ना हो, और जैसे मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है ऐसा ना हो, तो इनकी वही अपील है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने हैं।